हे hey एवरीवन तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम है गैस नंबर हायर और लोअर टू ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को एक नंबर गैस करना है काइंड ऑफ अ गेम है ये सो वी आर प्लेइंग द गैसिंग गेम हम यहाँ पे एक गैसिंग गेम खेल रहे हैं द गेम विल वर्क एज फॉलोज सबसे पहला इन्होंने दे रखा है कि आई पिक नंबर बिटवीन वन एंड एन मतलब ये जो भी कंप्यूटर है मतलब किसी को भी मान लो कोई मिस्टर एक्स है ठीक है अब वो एक नंबर चुनेंगे वन से लेकर एन के बीच में, तो इसको ऐसे समझना कि ये ये हमारे क्या है मिस्टर एक्स है ठीक है और ये मिस्टर एक्स वन से लेकर एन तक के बीच में एक नंबर चूज कर रहे हैं, मान लो इन्होंने कुछ ए नंबर चूज कर लिया ठीक है अब तुम एक नंबर गैस करोगे तो ये मान लो हमें ठीक है uh, you, ये है अब इन्होंने नंबर गैस कर लिया अब इन्होंने तुम्हें बोला कि तुम बताओ कि मैंने कौन सा नंबर पिक किया है ठीक है तो तुमने एक नंबर गैस किया मान लो तुमने कुछ बी नंबर गैस किया ठीक है अब अगर b इक्वल टू ए है तो तुम विनर हुए ठीक है इफ यू गेस द रॉन्ग नंबर लेकिन अगर b a के इक्वल नहीं है तो इन्होंने बोला कि आई आई विल टेल यू वेदर द नंबर इज हायर और लोअर मतलब ये जो मिस्टर एक्स है ना ये तुम्हें बताएंगे कि ये जो नंबर है वो हाई है या लो है ठीक है तो मान लो मिस्टर एक्स ने सेवन को पिक किया ठीक है और नंबर वन टू टेन के बीच में है. तो मिस्टर एक्स ने बोल दिया कि वन से टेन के बीच में एक नंबर है जो मैंने गेस किया है तो तुमने बोल दिया कि बी मान लो थ्री हो जाए थ्री हो जाए तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं तुम गलत हो अब देखो इन्होंने कुछ बोला है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि नंबर हाई है या लो है तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं थ्री तो नहीं है नंबर क्या है हाई है नंबर क्या है थ्री से हायर है ठीक है अब जब भी तुम रॉन्ग नंबर गैस करोगे एवरी टाइम यू रॉन्ग नंबर गैस यू गैस रॉन्ग नंबर एक्स यू विल पे एक्स डॉलर अब तुमने यहाँ पे थ्री जो कि एक गलत नंबर था तुमने ये गैस कर लिया तो अब तुम्हारी पेनल्टी लग गई गेम में तुम्हारी पेनल्टी थ्री रुपीज की लग गई कि यार तुमने गलत नंबर गैस किया तो तुम्हें तीन डॉलर यहाँ पे देने होंगे फिर मिस्टर एक्स ने बोला कि मैंने हायर नंबर गैस किया है तो तुम बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है तो हमने बोला फाइव ठीक है तो मिस्टर एक्स ने पर नहीं अभी भी ये सेवन तो नहीं है गलत नंबर है तो मिस्टर एक्स ने बोला कि नंबर और हायर है तो तुम्हारी और पेनल्टी लग गई पांच डॉलर की अब तुमने बोला कि ठीक है नंबर क्या हो जाए एट हो जाए ओ ये तो सेवन से ज्यादा निकल गया तो तुमने बोला मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं अब नंबर क्या है लो है यहाँ पे अब तुम्हारी कितनी पेनल्टी लग गई एट की पेनल्टी लग गई अब तुमने क्या किया तुमने बोला सेवन ये तो तुम्हारा सही गैस है मतलब ने जो पिक किया था, वही नंबर तुमने गैस कर लिया और तुम्हें कितने पैसे देने पड़े तुम्हें यहाँ पे टोटल सिक्सटीन रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े सही नंबर गैस करने के तो ये क्वेश्चन है ये ठीक है गिवन अ पर्टिकुलर एन तो एन यहाँ पे दिया होगा रिटर्न द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मतलब हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी कितनी चाहिए कम से कम कितने पैसे चाहिए हमें ताकि हम इस गेम को जीत जाए ठीक है ताकि हम इस गेम को जीत जाए ठीक है तो ये हमें एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमें एन इक्वल टू टेन दे रखा है और यहाँ पे हमें हमारा जो भी आंसर 16 आ रहा है सिक्सटीन आ रहा है तो अब हम समझते हैं कि आखिर में आंसर आएगा कैसे ठीक है तो मैंने यहां पे एग्जाम्पल ले रखा है ठीक है पे n ले रखा है अब तुम्हारे पास क्या है वन टू एन में से मिस्टर एक्स जो है ये जो मिक्स मिस्टर एक्स है ये वन टू एन में से कुछ भी गैस कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पे वन टू टेन तक नंबर लिखती हूं इसमें से इन्होंने कुछ भी नंबर गेस कर लिया और हमें पता नहीं है कौन सा नंबर गैस किया है अब तुम्हारे पास तो यही सेट है ना नंबर्स का जिनमें से तुम बता सकते हो कि कौन सा नंबर है, है तो अब तुम क्या है कि मान लो तुम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेके आए ठीक है मतलब तुम है ना कम से कम कितनी इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी निकालनी है कम से कम कितने पैसे हम लेके जाए ताकि हम जीत जाए इस गेम को ठीक है तो मैं तुम्हें बोलती हूं कि तुम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेके गए ठीक है अब यहां लो तुमने फोर गैस किया ठीक है तुमने क्या किया फोर गैस किया अब इस फोर के दो चीजें हो सकती है कि या तो ये रॉन्ग नंबर हो ठीक है या फिर ये क्या हो सही नंबर हो दो ही तो बातें हो सकती या तो गलत तो तुम्हारा गैस या फिर सही हो ठीक है पर हम लोग यहाँ पे गलत वाला देखेंगे क्योंकि देखो अगर ये ही हमारा सही हो गया तब तो बात ही खत्म हमारे कोई पैसे ही नहीं लगे यहाँ पे लेकिन हमें कम से कम पैसे देखने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता है हमें यहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं है हमें बस ये पता है कि हमारी रेंज कितनी होगी वन टू एन के बीच की होगी ठीक है तो तुमने क्या किया फोर को गेस कर लिया अब मैंने बोला मतलब मिस्टर एक्स ने बोला कि नंबर तो गलत है तो तुम्हारी पेनल्टी कितनी लग सकती है यहाँ पे फोर पेनल्टी लग सकती है अगर लो हो गया, तो लोअर नंबर से सेट में से आ सकते हैं ठीक है थके? तो लोअर नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं इतने में से आ सकता है ठीक है और अगर फोर से बड़ा हो गया तो बड़े नंबर्स कितने में से आ सकते हैं इतने में से आ सकता है इतने में आ सकते हैं तो अगर नंबर लो हो गया तो तुम्हारी कितनी पेनल्टी लगी फोर लगी और अगर नंबर हाई हो गया तो तुम्हारी कितनी पेनल्टी लगी फोर लगी ठीक है इस तरीके से पेनल्टी लग रही है अब देखना ठीक है तो तुमने क्या किया फोर गैस किया तो अब इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है इन तीनों में से यहां पे से कुछ भी हो सकता है ठीक है तो टू ले लिया मिड लिया ये वाला ठीक है अब ये भी गलत है हमारा ठीक है कि ये जो टू है ये गैस कर लिया ठीक है अब इससे क्या हो जाए नंबर लो हो जाए या फिर हाई हो जाए ठीक है ऐसे हो सकता है अब अगर फोर से भी हाई है तो क्या हो सकता है यहां पे देखो मैं पहले यहां पे इंडेक्स लिख देती हूं ठीक है तो सेवन ठीक है इसको मैंने स्प्लिट कर लिया ये मैम बाइनरी सर्च कर रही हूँ यहाँ पे ये मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बाइनरी सर्च कर रही हूँ ठीक है तो अगर नंबर इससे छोटा होता है तो यहाँ पे आ जाएगा तो छोटे के केस में क्या हो जाएगा इन दोनों में से देखना होगा तो फोर प्लस फाइव नाइन नाइन डिवाइड बाई टू तो ये फाइव हो जाएगा इससे बड़ा क्या हो जाएगा सिक्स ठीक है नहीं तो क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है तो वो इनमें से आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा नाइन आ जाएगा ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना एट और ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे मैंने हमेशा मिडल वाली वैल्यूज़ को रखा है यहाँ पे मैंने किसको रखा है हमेशा मिड वाली वैल्यूज़ को रखा है अब क्यों रखा है क्योंकि देखो नंबर क्या हो सकता है हमारा या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है तो मैंने क्या किया मैंने इनमें से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया मैंने यहाँ से कोई भी एक नंबर उठा लिया ठीक है और फिर उसके बाद में बाइनरी सर्च लगा दी यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च क्यों लगाई है इसका भी पता लगेगा ठीक है तो अब हमारा यहाँ पे फोर आया पर अब देखो फोर हमारा सही नंबर नहीं था तो उसने बोला कि नंबर या तो लो हो सकता है या हमारा हाई हो सकता है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा केस में मान लो इसने बोल दिया कि नंबर लो है लो है तो तुम कहां आ गए टू पे आ गए अब टू पे वो तुम्हें बोल सकता है कि टू से या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है तो उसने बोल दिया कि नंबर और छोटा है ठीक है तुम वन पे आ गए तो यहाँ पे तो तुम सही नंबर गैस करोगे ही करोगे ये तो हमारा लिमिटिंग केस है इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना हाई और लो का देखो यहाँ से उसने तुम्हें कहाँ भेजा लोअर नंबर पे भेजा और लोअर से तुम्हें और लोअर पे भेज दिया अगर उसको अगर इसके बाद और लोअर होता तो वो तुम्हें इससे नीचे भेजता ना या फिर इसके बाद और हायर होता तो इसके इधर भेजता पर इधर से तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मतलब ये तुम्हारा क्या है सही नंबर है तो इसमें तुम्हारी पेनल्टी कितनी लगी जब तुमने फोर गैस किया जब तुमने फोर गैस किया ये गलत था तो तुम्हारी तुम कहां आए लो पे आए और तुम्हारी पेनल्टी कितनी लग गई यहां पे फोर लग गई ठीक है जब तुमने और गलत गैस किया तो तुम्हारी पेनल्टी कितनी लगी फोर प्लस टू लग गई मतलब कितनी लगी इसके लिए पेनल्टी सिक्स लगी ठीक है तो तुम यहां से कितनी टोटल पेनल्टी पे कर रहे हो अगर ये भी तुम्हारा गलत है अगर मतलब मान लो ये टू भी तुम्हारा गलत है तो तुम टोटल छह डॉलर पे कर रहे हो ना सही नंबर गैस करने के लिए ठीक है अगर मैंने तुम्हें बोल दिया होता कि नंबर हाई है तो हाई होता तो तुम यहाँ जाते और आखिरी में तो यही है आखिरी में तो क्या है यही पड़ा है ठीक है तो अब इसके आगे तो कोई चॉइस ही नहीं बचे। मतलब ये वाला नंबर ही सही होगा तो यहाँ पे कितनी पेनल्टी लगी सिक्स लगी ठीक है ऐसे ही मान लो कि तुमने फोर गैस किया फोर गलत था और नंबर बड़ा निकला नंबर बड़ा निकला तो तुम कहां गए यहां पे आ गए यहाँ पे कितनी पेनल्टी पे करके आए तुम फोर पेनल्टी अब या तो ये सही हो जाए या फिर गलत हो जाए तुम मैंने बोला कि इससे छोटा है सेवन से छोटा नंबर है तो तुम कहाँ चले गए फाइव पे चले गए और तुमने टोटल पेनल्टी कितनी पे की जब तुम फोर से गेम स्टार्ट कर रहे हो तो तुमने फोर प्लस सेवन टोटल पेनल्टी तुमने इलेवन पे की यहाँ तक तो आने की ठीक है अब या तो ये खुद सही हो जाए क्योंकि इससे लो तो कुछ है नहीं यहाँ पे या फिर इससे बड़ा नंबर उसने गैस किया हो तो इससे अगर बड़ा गैस किया होगा तो यहाँ पे वो और पांच रुपए की पेनल्टी पे करेगा तो टोटल कितनी पेनल्टी पे करके आएगा यहाँ पे सिक्सटीन रूपीज पे करके आएगा ठीक है ऐसे ही मान लो वो नंबर सेवन फोर तुमने गैस कर लिया फोर गलत था सेवन पे आए अब सेवन से बड़ा नंबर है ठीक है तो तुम यहाँ पे कितनी पेनल्टी पे करके आए इलेवन पे करके आए ठीक है अब इससे अगर छोटा हो गया तो तुम नाइन पेनल्टी पे करके या फिर इससे बड़ा हो गया तो तुम एट पे कितनी पेनल्टी पे करके आओगे ट्वेंटी रुपीज पे करके आओगे ठीक है यहाँ पे कितनी पेनल्टी पे करके आओगे ट्वेंटी रुपीज पे करके आओगे आखिरी में तो ये सही या गलत ये सही होना ही है सही होना ही है ठीक है तो ध्यान से देखना एक बार तो ये मैंने सारी पेनल्टीज लिख दी कि अगर फोर गलत है अगर फोर फोर हमारा रॉन्ग गैस है अगर फोर हमारा रॉन्ग गैस है तो हम कितनी पेनल्टी पे करेंगे फोर ही पे करेंगे यहाँ पे ठीक है अब अगर मान लो उससे छोटा है तो हम टू पे आए और अगर मान लो टू हमारा रॉन्ग गैस है तो उससे बड़ा या छोटा देखने के लिए हम यहाँ पे टोटल छह पेनल्टी पे करेंगे मतलब वन अगर हमारा सही नंबर है तो हम वन तक कैसे पहुंचेंगे थ्री तक कैसे पहुंचेंगे छह डॉलर पे करके ठीक है ऐसे ही मैंने यहाँ पे सबकी पेनल्टीज लिख दी अब मैं बोलती हूँ कि तुम ना तुम्हारे को मैंने छ डॉलर दे दिए और गेम खेलने को बोल दिया और तुमने स्टार्ट कर दिया गेम फोर से ठीक है तो तुम फोर में तुम छह डॉलर लेके तुम ये छह डॉलर लेके इसको तो गैस कर लोगे इसको भी गैस कर लोगे पर मान लो ये दोनों नंबर्स नहीं है हमारे ये दोनों नंबर्स नहीं है तो क्या तुम तो क्या तुम इधर से नंबर गैस कर पाओगे क्या छह डॉलर में नहीं कर पाओगे मतलब छ डॉलर तो लेके जाना वेस्ट है ठीक है अब मैंने बोला कि सिक्सटीन डॉलर ले जाओ तो तुम सिक्सटीन डॉलर में इसको गैस कर लोगे इसको कर लोगे और इस नंबर को गैस कर लोगे ठीक है पर मान लो इन तीनों में से कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या तुम इनको गैस कर पाते क्या क्या तुम इनको गैस कर पाते बिल्कुल भी नहीं कर पाते तो सिक्सटीन भी नहीं है ठीक है तो अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कितने डॉलर्स की जरूरत है जितने मैक्सिमम आ रहे हैं मतलब मैंने तुम्हें, तुम्हें ट्वेंटी के, भेज दिया नंबर करने के लिए और तुमने शुरुआत कहाँ से कर दी फोर से कर दी तो अब तो तुम इनमें से कोई भी नंबर इनमें से कोई भी नंबर गैस कर सकते हो ना इनमें से कोई सा भी नंबर गैस कर सकते हो क्योंकि इसमें सबसे वर्स्ट केस में सबसे वर्स्ट केस की बात बता रही हूँ सबसे वर्स्ट केस मतलब मिस्टर एक्स सबसे ज्यादा कौन सा नंबर गैस कर सकता है इनमें से एट या टेन में से कुछ गैस कर लेगा उसी में ही सबसे ज्यादा पैसे लग रहे हैं पेनल्टी लग रही है तुम्हारी ठीक है तो एट या टेन में से कुछ भी गैस कर लिया तो तुम तो तुम्हारे पास तो पूरे पैसे थे ना तुम्हारे पास तो कम से कम पैसे थे ठीक है और तुमने यहाँ पे एक नंबर गैस कर लिया ठीक है तो हमें यहाँ पे कम से कम बीस डॉलर्स तो ले जाने ही होंगे अगर मैं गेम फोर से स्टार्ट करती हूँ तो कम से कम मुझे बीस डॉलर्स तो ले जाने ही होंगे ताकि मैं क्या कर लूँ सही नंबर गैस कर लूँ ठीक है तो इतना तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर हम इस वन टू टेन में से किसी भी एक नंबर को लेके मान लो सिक्स को लेके मैं गेम स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे कितने पैसे ले जाने होंगे मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए होंगे क्यों चाहिए होंगे क्योंकि देखो यार ज्यादा से ज्यादा अगर मैं यहाँ पे ट्वेंटी लेके जाऊंगी ट्वेंटी लेके जाऊंगी तभी तो मैं इस गेम को जीत पाऊंगी ना मतलब देखो अगर मैं सिक्स से गेम स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे ना इसके वर्स्ट केस में जितने ज्यादा पैसे चाहिए ना इसके वर्स्ट केस में मतलब कोई भी सबसे बुरे से बुरा क्या कर सकता है ये बात तो हमें यहाँ पे क्लियर है ठीक है अब दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे ये मिड वाले नंबर्स को ही क्यों लिया ठीक है ये यहाँ पे मिड वाले नंबर्स को ही क्यों लिया तो देखो क्योंकि यहाँ पे नंबर हमारा क्या हो सकता है या तो हाई हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है लो हो सकता है तो मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर लिया मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर लिया ताकि मैं ऑप्टिमली जो भी अमाउंट ऑफ मनी है उसको निकाल के लेके आ सकू ठीक है अब एक केस देखना अब मान लो एन इक्वल टू थ्री है ठीक है और मैंने बोल दिया कि वन टू थ्री इन में से कोई सा भी एक नंबर मिस्टर एक्स ने चूज किया है तो मैं मैं गई कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेके और मैंने वन से अपना गेम स्टार्ट कर दिया ठीक है पर इन्होंने बोला कि वन सही चॉइस नहीं थी नंबर वन से बड़ा है क्योंकि छोटा तो हो नहीं सकता यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो वन से बड़ा है तो इन दोनों में से कोई एक होगा ठीक है तो ठीक है अब नंबर टू से भी बड़ा है टू से बड़ा ठीक है तो क्या हो सकता है थ्री हो जाए ठीक है तो अगर वन मेरा गलत नंबर था तो वन की पेनल्टी कितनी थी मेरे पास मैंने एक आंसर भी बना लिया यहां पे और जिसको मैंने क्या ले लिया मैक्सिमम ले लिया मान लो मैंने बहुत सारे पैसे लेके गई ठीक है इतने पैसे लेके जा रही हूं मैं है ना अब मैंने वन अगर मेरा गलत नंबर था तो मेरे को वन की पेनल्टी देके आगे जाना होगा यहाँ से ठीक है अगर टू गलत नंबर था तो मेरे को यहाँ पे किस कितनी पेनल्टी देनी होगी वन प्लस टू थ्री की पेनल्टी देके और आगे जाना होगा और आखिर में तो हमें सही नंबर मिलना ही है ना ठीक है तो अभी कितना आ गया मेरे पास थ्री आ गया क्या थ्री मेरे इतने अमाउंट से छोटा है बिल्कुल है तो यहाँ कितना आ गया थ्री आ गया ठीक है पर देखो मैं गेम टू से भी स्टार्ट कर सकती थी तो मान लो मैंने गेम अपना टू से स्टार्ट कर दिया अब नंबर या तो टू से मेरा छोटा हो जाए, बड़ा हो देनी हो क्या अमाउंट से ये जो भी अमाउंट में लेके गई इससे कम है बिल्कुल कम है तो मैंने टू दे दिया पर गेम थ्री से भी मैं स्टार्ट कर सकती थी तो मैंने थ्री से स्टार्ट कर दिया अब नंबर क्या हो जाए या तो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए बड़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं है तो नंबर क्या हो सकता है छोटा हो सकता है तो छोटे में क्या वन आ जाए ठीक है और इससे बड़ा हो जाए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे मैं कितनी पेनल्टी दूंगी थ्री दूंगी इधर कितनी पेनल्टी दूंगी फोर दूंगी और ये तो आखिर में हमारा सही होना ही होना है तो हमारा आंसर क्या आया हमारा आंसर मतलब कम से कम कम से कम मेरे को टू कम से कम मैं दो डॉलर्स तो लेके जाऊंगी जाऊंगी ताकि गेम जीत जाऊं ठीक है ताकि मैं क्या करूं गेम जीत जाऊं और गेम जीतने के लिए ऑप्टिमली खेलूंगी तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगी टू से स्टार्ट करूंगी क्योंकि जब मैं टू से स्टार्ट कर रही हूं तभी तो मेरे कम पैसे लग रहे हैं ठीक है ऐसा है ये क्वेश्चन ठीक है तो यहां पे सिंपल सी बात ये है कि वन टू एन में से चाहे कितने ही नंबर हो वन टू एन में से चाहे कितने ही नंबर हो हमें उस नंबर से शुरू करना होगा हमें उस नंबर से शुरू करना होगा जिससे हमें क्या मिले मिनिमम अमाउंट मिले जिससे हमें क्या मिले मिनिमम अमाउंट मिले तो ये तो क्या हुई हमारी पहली बात हो गई ठीक है हमारी दूसरी बात क्या होती है कि जिस भी नंबर से हम शुरू कर रहे हैं ना जिस भी नंबर से हम शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लग रहे हैं? देखो, जब मैंने गेम फोर से स्टार्ट किया था तो मेरे को यहाँ पे ट्वेंटी डॉलर्स तो लेने ही होंगे मतलब कम से कम यहाँ पे मेरे को ट्वेंटी डॉलर्स तो लेने ही होंगे ताकि मैं इस पूरे में से सही नंबर गैस कर सकू ठीक है इसमें से सही नंबर को गैस कर सकूं, ठीक है? तो दो चीजें हो गई पहली चीज तो ये कि टू में से हम जिससे भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना हमारा गेम वो हमें क्या लिख के दे मिनिमम ला के दे और वो मिनिमम किन में से आएगा इनके वर्स्ट केस में जितने भी पैसे लग रहे हैं उन सभी में से मिनिमम आएगा ठीक है तो देखो जब इन्होंने यहाँ पे वन टू तो टेन में से सेवन से जब गेम स्टार्ट किया ना तब इन्हें क्या मिला मिनिमम मिला ठीक है तो देखो इन्होंने गेम कहा से स्टार्ट किया सेवन से स्टार्ट किया अब मान लो सेवन रॉन्ग गेस है सेवन रॉन्ग गेस है तो हमें यहाँ पे कितनी पेनल्टी पे करनी होगी सेवन की पेनल्टी पे करनी होगी ठीक है अब मान लो नंबर हमारा लोअर था लोअर था ठीक है तो यहाँ पे थ्री पे आए थ्री हमारा मान लो रॉन्ग है तो यहाँ पे नंबर कितना 7 प्लस थ्री इतनी पेनल्टी पे करनी होगी हमें अब मान लो नंबर हमारा और लो है है ठीक तो यहां पे हमें अगर होगा तो हम कितनी पेनल्टी पे करके आए टेन पेनल्टी पे करके आए पर मान लो अगर नंबर इससे बड़ा होता तो हमें कितनी पेनल्टी पे करनी होती इलेवन पे करनी होती क्योंकि टेन तो यहीं से आ रही थी अब मान लो नंबर इस वन से बड़ा है तो तो यही हो सकता है ना और ये हमारा आखिरी है ठीक है कि ये तो हमारा सही नंबर होगा ही होगा ठीक है तो यहाँ पे हमें कितनी टू को गैस करने के लिए हमें टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ी इलेवन पे करनी पड़ी ऐसे ही फोर और सिक्स को फोर और सिक्स में से अगर कोई एक नंबर होगा सही तो इसके लिए हमें कितनी पेनल्टी पे करनी होगी फिफ्टीन पे करनी होगी कितनी पे करनी होगी फिफ्टीन पे करनी होगी ठीक है पर अगर नंबर हाई होता तो कितनी पेनल्टी सात तो हम पे करते ही करते और हम नौ पे आ जाते अब या तो ये सही होता या हमारा गलत होता तो अगर ये हमारा गलत है तो एट या फिर टेन में से कोई सही नंबर होगा और उसको गेस करने के लिए हमें कितनी पेनल्टी पे करनी होगी सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन पे करनी होगी ठीक है सिक्सटीन पेनल्टी ऐसी होगी जो हमें पे करनी होगी अब देखो अगर तुम इस सिक्सटीन रुपीज को लेके जाओगे और सेवन से गेम स्टार्ट करोगे सेवन से गेम स्टार्ट करोगे तो तुम यहाँ पे जितने भी नंबर है ना ये जितने भी नंबर है उनमें से किसी को भी गेस कर लोगे और तुम्हें इतने ही पैसों की जरूरत होगी इससे ज्यादा पैसों की तुम्हें जरूरत नहीं होगी ठीक है इसलिए हमारा यहाँ आंसर क्या आया सिक्सटीन आया ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं और इसका एक हिंट तो हमें यहाँ पे मिल ही गया था हायर और लोअर का कि नंबर क्या हो सकता है या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है तो बाइनरी सर्च क्या करता है बाइनरी सर्च हमें ऑप्टिमली जो भी हमारा नंबर होता है वो लाभ दे देता है इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया बाइनरी सर्च का यूज किया तो तो क्लियर होगा अब हम इसके कोड को देख लेते हैं ठीक है और देखो यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे देखो हमारा नंबर हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो हमारी मान लो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसी रेंज है कुछ ठीक है और मैंने अगर गेम थ्री से स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ पे फिर

और उसमें क्या भेज दिया स्टार्ट और एंड को भेज दिया ठीक है ठीक है अब देखो अगर हमारे पास एक ही नंबर है तो अगर हमारे पास एक ही नंबर है मतलब स्टार्ट इक्वल इक्वल एंड हो गया तो वो तो हमारा लिमिटिंग केस होगा मतलब यही है ठीक है तो यही सही, सही नंबर होगा नहीं तो क्या हो सकता है नहीं तो हम एक मैक्सिमम बनाएंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे ठीक है कि वो नंबर कहां से हो सकता है स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में कुछ भी हो सकता है ठीक है और आंसर क्या हो सकता है आंसर हमारा मिनिमम ऑफ अब स्टार्ट जिस भी नंबर से हम शुरू कर रहे हैं अब हम वन टू एन में से किसी भी नंबर में से शुरू कर सकते हैं तो मिनिमम लेके आएंगे उसमें से और अगर मैं आयत नंबर मेरा गलत है तो उतनी पेनल्टी पे करूंगी और मैक्सिमम लगाऊंगी यहाँ पे ठीक है तो आइयत नंबर हमारा रॉन्ग नंबर रॉन्ग गैस हो सकता है तो हम कहा देखेंगे या तो उससे छोटा हो जाए नंबर या फिर बड़ा हो जाए इसमें से हमने मैक्सिमम लिया

हम रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ स्टार्ट एंड क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू आंसर अब अब यहाँ पे अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है मतलब उसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी डीपी में पड़ा है तो उसको हम दोबारा से थोड़ी सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से क्या करा देंगे सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ स्टार्ट और एंड करा देंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं सही आ गया ठीक है हम यहां पे कुछ भी दे सकते हैं जैसे मान लो मैंने यहां पे थ्री दे दिया टू आ गया ठीक है तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था गैस नंबर हायर और लोअर टू का आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच